चुनाव में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को लेकर देश में एक बार फिर से खुसर फुसर शुरू हो गई है। बात इतनी बिगड़ गई कि चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई देनी पड़ी। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ केस दर्ज होने और ईवीएम पर सवाल उठाए जाने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने मीडिया को बताया कि आज जो खबर आई उसको लेकर कुछ लोगों ने ट्वीट किए। ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता है, ईवीएम डिवाइस किसी से कनेक्ट नहीं रहता। अखबार द्वारा पूरी तरह से गलत खबर चलाई गई है। ईवीएम स्टैंड अलोन सिस्टम है, खबर पूरी तरह से गलत है। आयोग ने गलत खबर छापने वाले पेपर को नोटिस इशू किया है, वही मानहानि का केस भी किया गया है। ईवीएम कोई प्रोग्राम के लिए नहीं है और न ही इसको हैक किया जा सकता है। यहाँ याद दिला दे कि उत्तर पश्चिम सीट से शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर 48 वोटों से जीते हैं। उनकी जीत के बाद शिवसेना उद्धव के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर की तरफ से दावा किया गया कि वे चुनाव हारे नहीं बल्कि उन्हें हराया गया है।